आज की सबसे फर्स्ट टॉपिक हम नेम मैनेजर ले रहे हैं, हालांकि ये ऑलरेडी हो चुका है, तो जो जिनका हो चुका है उनसे थोड़ा आइडिया ले लें, है ना। तो दोनों बैलेंस होगा, जिनका हो चुका है वो बताएंगे, जिनका नहीं हुआ है वो। तो सौरभ, नेम मैनेजर के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या होता है नेम मैनेजर। नेम मैनेजर का यूज करके हम लोग किसी भी जो डेटा है उसको नेम दे सकते हैं। ठीक है, एकदम सबसे सिंपल सोवर में यही आंसर है कि अगर हमारे पास कोई एक डेटा है और वो डेटा कुछ भी हो सकता है, वर्टिकल, वो डेटा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कुछ भी हो सकता है, तो उस डेटा को एक नाम दे सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि एक छोटा सा डेटा है मेरा जिसमें कुछ बंदे का नाम है और उसकी सेल्स है डे वाइज, कि वीक डे वाइज में संडे से लेके फ्राइडे तक की सेल्स उसकी है यहाँ पे। और इस डेटा को अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं किसी एक सेल को सेलेक्ट करता हूं तो उसका एड्रेस दिखाता है H9। देखिए इसका एड्रेस दिखा रहा है E5, इसका एड्रेस दिखा रहा है B2, लेकिन आप पूरा भी डेटा सेलेक्ट करते हो तब भी पर ये C2 ही दिखा रहा है। तो एक पूरा डेटा को एक नाम देने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नेम मैनेजर बोलते हैं। नहीं तो नेम मैनेजर के लिए क्या करना होता है, हमारे पास चार रोल्स हैं। चार में से पहला रोल ये कहता है कि आप रेंज को सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे, नहीं सेलेक्ट करके सबसे पहले नेम बॉक्स में जाएंगे। नेम बॉक्स का मतलब होता है कि ये जहाँ पे H2 लिखा है उसको डिलीट करके आप अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हो। जैसे फ्राइडे हमने नाम ही दे दिया फ्राइडे। अब बोलोगे सर इसका क्या फायदा मिला, तो अगर आप कोई भी फंक्शंस आपने जो पढ़ा है वो सबको अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग सम ऑफ फ्राइडे करेंगे, ये रेंज आपका पकड़ में आ गया। अब इस रेंज का फ्राइडे वाले रेंज में टोटल निकल आया। अगर हमने बताया कि भाई मिनिमम बताओ किसका फ्राइडे, तो क्या हो रहा है कि आपको सेलेक्ट करने का नौबत दोबारा नहीं पड़ेगा अगर आपने एक बार नेम मैनेजर तैयार कर दिया, लिस्ट में आ जाएगा, उसको यूज कर देना। दूसरा तरीका होता है नेम मैनेजर बनाने का, डिफाइन नेम। आप सिंपली उस एरिया को सेलेक्ट करो, फॉर्मूला टैब में जाओगे और देयर इज ए डिफाइन नेम ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करके देखो ऑटोमेटिकली इसकी हेडिंग पकड़ ले। इसमें तो टाइप भी करना पड़ता है, इसमें तो वो भी नहीं करना पड़ता। ओके किया, बन गया। बना कि नहीं बना चेक करके देखिए। अगर मैं बोलता हूँ एवरेज निकाल दो किसका, थर्सडे का, देखिए थर्सडे का लिस्ट शो करने लगा, तो थर्सडे का हमारा एवरेज भी निकल आया है। ठीक है, तो एक तरीका नेम मैनेजर का हो गया जो नेम बॉक्स के थ्रू होता है, यहाँ पे जो लिखते हो आप, है ना, फ्राइडे के लिए हमने यहाँ पे लिखा था। दूसरा हम लोग डिफाइन नेम के थ्रू किए। तीसरा होता है नेम मैनेजर की, रेंज को सेलेक्ट कर लो आप, डायरेक्ट नेम मैनेजर में जाओ। यहाँ पे दो बातें एक साथ हो सकता है, पहला कि आप नया बनाने के लिए न्यू क्लिक करेंगे और जो एग्जिस्टिंग है वो भी देख सकते हो कि ऑलरेडी हमने इस डेटा पे दो नेम मैनेजर बनाया है, तीसरा न्यू करेंगे। देखिए फिर से थर्सडे वाले पे चलेंगे, ओके कर दिया। ये तीन तरीका हो गया, तीन बन चुका है। अब आता है कि बनाने के बाद अब हटाने की बारी आती है, तो नेम मैनेजर में जाके इसको सेलेक्ट कर लेंगे, डिलीट कर देंगे तो ये हट भी जाएगा। अगर हम सारे सेलेक्ट कर लें, सारे को डिलीट कर दें, तो सारा हट जाएगा। प्रॉब्लम सब में देखो एरर आ गया। अब आता है कि हमारे पास कितने नेम मैनेजर बन सकते हैं, तो देखो वर्टिकल जितने डेटा है उसका एक बनेगा, हॉरिजॉन्टल जितना है उसका एक बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हो आप और क्रिएट फ्रॉम सेलेक्शन से एक ही सेकेंड में सारा बन गया होगा। इसीलिए बन गया, इसीलिए ये देखो आंसर भी आ रहा है, देखो कितना सारा बन चुका है, इतना सारा बन चुका है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग नेम मैनेजर। नेम मैनेजर क्लियर हो गया आदित्य? तो ये था हमारा नेम मैनेजर। एग्जैक्टली कृति का अलग बन गया। जैसे आपको पता करना है सम ऑफ कृति, तो सम के आई आर, देखो कृति किया, ये देखो सम ऑफ कृति बन गया।
अगर मैंने बोला मिन, तो मिन ऑफ अंजलि, ए एन जे अंजलि, देखो अंजलि का भी बन चुका है, इस पहले गलत कर दिया होगा, ये देखो बैक पकड़ लिए। मिनिमम मैक्सिमम जितने फंक्शंस हमने पढ़े हैं ना, सारे फंक्शंस हमारे रिवाइज हो जाएंगे इसमें जब आप इसको करने लगोगे यूज। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आदित्य? टेक्स्ट टू कॉलम के बारे में वैसे नॉर्मली कुछ आइडिया है आपको? एग्जैक्टली सही, सिंपल है, बहुत सिंपल है। टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम कहता है कि अगर आपके पास कोई फुल फॉर्म में डेटा है जिसमें इस तरह का डेटा है, अब इस डेटा में फुल फॉर्म में नेम लिखा है, मेरे को टाइटल नेम और सरनेम अलग करना है, तो आप सेलेक्ट करोगे डेटा टैब के अंदर, देयर इज ऑप्शन कॉल्ड टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम में नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद देखो यहाँ से इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सिर्फ आप स्पेस कर दोगे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ब्रेक हो रहा है वो दो वर्ड के बीच में ब्रेक जो हो रहा है स्पेस के बेस पे हो रहा है, तो नेक्स्ट कर देंगे और फिनिश कर देंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। बट यहाँ पे एक और रूल आपको और लगाना है कि नेक्स्ट करने के बाद डायरेक्ट फिनिश नहीं करके एक और नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद फिनिश से पहले देयर इज ऑप्शन कॉल्ड डेस्टिनेशन। देखो अभी ए वन में ही ब्रेक हो जा रहा है इसलिए फुल नेम डिलीट हो जाता है, आप कहते हो कि जो ब्रेक हो वो बी से शुरू हो, तो बी करके फिनिश करोगे तो देखो ये नाम भी रह जाएगा और इधर भी हो जाएगा, सो दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट टू कॉलम। कोई डाउट है टेक्स्ट टू कॉलम में? नहीं होना चाहिए, फ्लैश फिल जैसा ही है, बट फ्लैश फिल अच्छा है इससे। एग्जैक्टली अब आती है एक ऑप्शन छोटा सा है जिसका नाम है श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट क्या है? श्रिंक टू फिट मतलब क्या होता है कि होता है कि हमारे पास कुछ नाम है जो सिंपल इतना बड़ा हो सकता है, कोई नाम है जो इतना बड़ा हो सकता है, कोई नाम है जो इतना बड़ा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मैं एक ही एग्जांपल देख रहा हूँ, दे रहा हूँ आपको कि देखो इतना बड़ा नाम हो सकता है, अमित भी हो सकता है, अमित कुमार भी हो सकता है, अमित कुमार ठाकुर भी हो सकता है। अब बॉस कहता है कि देखो इस डेटा को इतने में एडजस्ट करना है, इतना आपके पास भी थे, यानी कि कोई अगला कॉलम में कोई एंट्री करे तो आगे तो दिखेगा नहीं, देखो नहीं रहता तो ओवरलैप होके दिख जाता है, लेकिन ये इसी सेल का पार्ट है, अगर यहाँ पे डेटा आप एंटर कर देते हो कुछ भी तो ये छुप जाता है। तो कहता है कि देखो टेक्स्ट की विड्थ इतनी ही है और आपको इतनी ही रेंज में इसको फिक्स करना है, इतने ही रेंज में इसका नाम होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो यही होता है कि थोड़ा सा आर कट रहा है, इसकी फॉन्ट साइज को थोड़ा कम कर दिया, एडजस्ट हो गया, एडजस्ट हो गया ना, कट तो नहीं रहा, अब इसके लिए तो बहुत ज़्यादा छोटा करना पड़ेगा फॉन्ट, अब हो भी नहीं रहा, देखो आठ से नीचे जा भी नहीं रहा, लेकिन मैनुअली हम इसको साथ करेंगे तो चला जाएगा। देखा मतलब जब यहाँ से नहीं होता है तो आप मैनुअली भी डाल के कर सकते हो, यानी कि अगर फॉन्ट की साइज 7 करी जाए और इस वाले में 10 करी जाए और इस वाले में 11 करी जाए तो हमारा सेट हो जाता है। अब हमारे पास बहुत सारा डेटा है, अब किसमें कितना फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा ये बहुत टफ टास्क है कि नहीं, तो मैं बोलता हूँ कि चाहे नाम डला हुआ हो या बाद में डाले, ऐसा सेटिंग कर दें कि अगर नाम बड़ा जा रहा तो अपने आप उसको छोटा कर देंगे, अपने आप फॉन्ट ऑटोमेटिकली छोटा हो जाए। तो इस रेंज को सेलेक्ट करोगे जिस रेंज में आपका डेटा है, सपोज इस रेंज में, ये इस रेंज में हमारा डेटा है, तो राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आता है फॉर्मेट सेल्स, क्या आता है फॉर्मेट सेल्स, इसमें देखोगे नंबर है, अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, बॉर्डर है, सब कुछ है, बट आपको अलाइनमेंट में जाना है, कहाँ जाना है अलाइनमेंट में, देखो एक यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको क्या श्रिंक टू फिट, बस ये करके ओके कर दो,
देखा आपने वही काम किया जो हमने मैनुअली किया, बट इसकी एक और खासियत है कि जो रेंज पे किया है ना उस रेंज पे काम करेगा। जैसे नॉर्मल फॉन्ट है मिस्टर ब्रजेश, तो देखिए कोई फॉन्ट में कोई फर्क पड़ा नहीं, यहाँ पे लिख रहे हैं मिस्टर ब्रजेश आनंद, बाहर चला गया, ऑटोमेटिकली वो छोटा करेगा, मतलब हमें मैनुअली बार बार नहीं करना है। एक नाम और उससे भी बड़ा ले लिया, मान लो ब्रजेश आनंद सर, ये तो और बड़ा हो गया, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली साइज को कंट्रोल करता है, नहीं तो आप मैनुअल करते करते तो परेशान हो जाएंगे। तो श्रिंक टू फिट एक बेहतरीन ऑप्शन है जो हमें आना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोला, श्रिंक टू फिट। अब एक और छोटा सा चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट एज ए टेबल। फॉर्मेट एज ए टेबल के बारे में आप बताएं कुणाल क्या होता है। मान लिया जाए कि आपके पास कोई डेटा है, जैसे मान लिया जाए कि ये हमारे पास डेटा है, अब इस डेटा में तो हमने कोई फॉर्मेटिंग तो करी नहीं है, है ना, इस डेटा में ये तीन डेटा हमारे पास, इसमें तो कुछ फॉर्मेटिंग हमने नहीं करी है, तो हम क्या करेंगे, बस इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे। होम टैब में एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट एज ए टेबल, यहाँ से प्री डिफाइंड यहाँ पे कुछ डिज़ाइन है, आप उसको क्लिक कर लेंगे और ओके करेंगे तो ये टेबल बन जाता है। आप इसको प्रेजेंट करोगे तो ऑब्वियसली है कि ब्लैंक से तो अच्छा ही लग रहा है। इस चीज़ को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है इंसर्ट में जाके ये टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल वही चीज़ है जो फॉर्मेट एज ए टेबल है। आप मिनट और सेकेंड्स में ये फॉर्मेटिंग भी इसकी चेंज कर सकते हो। एक तीसरा तरीका भी होता है, तीसरा तरीका क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई डेटा है तो सिंपली हम कंट्रोल टी करके भी इसको कर सकते हैं। कंट्रोल टी ये शॉर्ट कीज हो गया ऐसी चीज़ का, तो इसको बोलते हैं टेबल, और नॉर्मल जो होम टैब से जाके करते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मेट एज टेबल। सबका क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। तविश कोई डाउट, आपकी आवाज लेकिन नहीं आई तविश, आपने कुछ बोला है या नहीं बोला है। साक्षी कोई डाउट तो नहीं है, सर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नो डाउट, ठीक है डन। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, क्या ये तो फिल्टर का है, फिल्टर का सिंबल है, डेटा में जाके फिल्टर हटा सकते हो। सॉर्टिंग फिल्टर अभी नहीं पढ़ा है ना, जब पढ़ाएंगे तो ये लगाना हटाना सब सीख जाएंगे, वैसे कुछ नहीं, क्लिक करना हट जाएगा। अरे पूरा फिल्टर सॉर्टिंग फिल्टर से पूरा कंपनी चलता है, आप बोलते कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, पढ़ाएंगे। अभी इतना क्लियर हो गया, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। अब आते हैं कि अगर हमारे पास कोई डेटा है और अगर हम ऑटो सम यूज कर लें या ऑल्ट इक्वल कर लें, इससे हमारी फॉर्मेटिंग हो जाती है। सो फॉर्मेट एज ए टेबल, जैसे ही हमारे पास एक डेटा था, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके ऑल्ट इक्वल कर दो तो देखो सम सबका आ गया। अगर आपको संडे की सम चाहिए तो नीचे मिलेगा, अगर आपको ब्रजेश की सम चाहिए तो राइट साइड में मिलेगा। तो राइट साइड में यहाँ आके ऑल्ट इक्वल करो, या देखो ये ऑटो सम का बटन है इस पर क्लिक कर दो, ये होता है ऑटो सम हमारा। क्लियर हो गया ऑटो सम, ऑटो सम ये ऑटोमेटिकली पकड़ लिया। यहाँ पे आपको टोटल देना पड़ेगा, थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, टोटल सम लिख सकते हो हेडिंग, क्योंकि ऑटोमेटिकली फ्राइडे के बाद सैटरडे उसने लिख दिया, बट आपका तो ये टोटल सम है, ठीक है। थोड़ी बहुत आपको भी खुद से भी करना होगा, ये देखिए इसका टोटल इधर भी आ गया। साक्षी क्या चला रहे हो, कलर कुछ ना कुछ करते रहती है, ठीक है। सो हमने ये देख लिया, अब आ जाते हैं फाइंड सेलेक्ट रिप्लेस। तो ये बहुत ही कॉमन ऑप्शन है अगर आप किसी डेटा पे काम करते हो, अगर किसी डेटा पे काम करते हो तो ये चीज़ें बहुत ही कॉमन है। सपोज कि हमारे पास एक शीट है और इस पे हमारा एक डेटा भी है। फाइंड मतलब होता है ढूंढना,
मान लो कि ये तो छोटा डेटा है, मैनुअली भी ढूंढ सकते हो, लेकिन कभी आपको जरूरत पड़े लाखों डेटा में से हमें 7711 को ढूंढना है तो कंट्रोल एफ करेंगे 77 और 11 डालेंगे और यहाँ से देखो फाइंड करेंगे तो एकदम डायरेक्ट 7711 ढूंढ दिया। अगर मैं यहाँ से जाऊँगा और मैंने NANCY नैन्सी डाला, फाइंड करते ही डायरेक्ट देखो नैन्सी ढूंढ दिया। तो ये कंट्रोल एफ, फाइंड मतलब CTRL प्लस एफ की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब होता है फाइंड करना। और एक होता है CTRL प्लस एच, जिसको बोलते हैं रिप्लेस करना। रिप्लेस मतलब होता है बदलना। अब जैसे इसमें जितने भी नंबर हैं, इसमें से हर नंबर को बदल देना है जहाँ पे 6 लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन उठता है कि 6 को बदल के करना क्या है? आपने बोला कि 6 को बदल के 7 करना है। इस रेंज में जितना भी 6 है सबको 7 करना है। तो कंट्रोल एच, कंट्रोल एच में होता है कि किसको किस चीज़ से। तो मैंने बोला 6 को 7 से बदलना है। एक तो होता है रिप्लेस, जो एक एक करके देखो रिप्लेस करेगा, और एक होता है रिप्लेस ऑर्ड, जो एक ही बार में सबको रिप्लेस, 30 जगह पे रिप्लेस हो गया है। अब इस डेटा में 6 कहीं नज़र नहीं आएगा आपको। 3 इडियट्स मूवी में स्पीच को चेंज किया गया था इसी ऑप्शंस के हेल्प से और मूवी सुपरहिट हुई थी, है ना भाई। खाली सुपरहिट होने का सिर्फ यही रीज़न नहीं था, कंट्रोल एच ही नहीं था, और भी बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से सुपर हिट हुई थी। स्क्रिप्ट अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। तो ये था हमारा फाइंड एंड रिप्लेस। कोई डाउट है किसी का? फाइंड रिप्लेस के बाद आ जाता है आपका डिलीट। देखो नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिलीट। सो डिलीट का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई डेटा है, मान लो ये एक डेटा है, इसमें से आपको लग रहा है कि ये फिगर था ही नहीं, गलती से डल गया, तो सिंपल कीबोर्ड से डिलीट दबा दो। ये हुआ कंटेंट डिलीट करना। एक होता है नहीं जी पूरा फ्राइडे ही नहीं चाहिए, तो फ्राइडे वाले कॉलम पे क्लिक करो और देर इज ए डिलीट ऑप्शन, तो फ्राइडे वाला कॉलम डिलीट हो गया। अगर मैंने बोला कि मनोरमा ने छोड़ दिया कंपनी, तो राइट क्लिक किया और यहाँ से डिलीट कर दिया, तो मनोरमा वाला रो डिलीट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड डिलीट। सबको समझ में आ गया डिलीट? डिलीट के बाद रैप टेक्स। रैप टेक्स के बारे में हमने पढ़ाया था कल कि नहीं पढ़ाया था? रैप टेक्स पढ़ाया कुला? हाँ पिछली क्लास में पढ़ाया ना, बताइए रैप टेक्स क्या होता है? यस सर पढ़ाया था। हाँ रैप टेक्स के बारे में बताइए कि क्या क्या बताया था। भूल गए साक्षी, रैप टेक्स में क्या पढ़ाया था? भूल गए सर रैप टेक्स में हम जैसे भूल गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर। अब एक बची रिया। रिया रैप टेक्स सर, अगर मान लीजिए कोई भी फुल नेम है, जैसे हमने किसी भी एक सेल में लिखा, तो वो अगर दूसरे सेल में जा रहा है तो उसका साइज भी चेंज ना हो, तो एक ही सेल में फिट भी आ जाए, तो उसके लिए हम रैप टेक्स करते हैं। कमाल, वेरी गुड। मतलब ये लड़की है मस्त, कंग्रेचुलेशन, आपका जवाब बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। आपको इंटरव्यू में जाने में और इंटरव्यू क्रैक करने में कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, बिल्कुल अलग से दिख रहा है। कुणाल गड़बड़ बात है, आपसे ये उम्मीद नहीं कि आप छोटी छोटी चीज़ें भी भूल जाओ, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल लेवल पे जा रहे हो और वहाँ पे छोटी चीज़ों को भूलना खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, सो रैप टेक्स में हमने क्या बताया था? रैप टेक्स में ये बताया था कि अगर मेरा नाम मान लो अमित है, या अमित सिंह है, या मिस्टर अमित सिंह है, तो तीन बार जो तीन नाम लिखें इसके लिए अलग अलग सेल की जरूरत होती है। या तो आप इसकी विथ बढ़ा सकते हो जिससे कि इस सेल में आ गया तीनों, लेकिन अगर ऐसा नहीं बढ़ाया आपने तो अगर कोई बंदा नेक्स्ट कॉलम में लिखता है तो छुप जाएगा कि आपने लिखा क्या है।
ऐसे में हम क्या करते हैं, डेटा को सेलेक्ट करके ये रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं। तो आप देख सकते हो कि अमित के लिए सिर्फ हमने एक कॉलम का यूज किया है, अमित सिंह के लिए हमने दो कॉलम के आसपास का यूज किया है, और तीसरा में भी हमें दो रो में हमारा एडजस्ट हो गया। सो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे विथ को सेट नहीं करके हम हाइट को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि पूरा नाम दिखे, इसमें फॉन्ट साइज भी छोटा नहीं होगा। ये कोई श्रिंक टू फिट नहीं है कि छोटा करके करना है, फॉन्ट साइज वही है, बस इसकी विथ और हाइट को एडजस्ट करते हैं। वो पहले करो बात करो, करना तो रैप टेक्स ही है ना, इसमें भी यही ऑप्शन है। हाँ कर सकते हैं, पहले से भी कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट के लिए जो आपने मुझे पहले बताया था जो ए बोलते हैं उसके लिए फोन से करके वो भी तो हम कर सकते हैं, श्रिंक टू फिट करके। श्रिंक टू फिट तो बताया नहीं था, श्रिंक टू फिट तो अब फिट तो आज बताया है, तो दोनों में फर्क है। वो हम कर सकते हैं ना, अरे बेटा कर तो सकते हैं। ये देखो एक होता है ग्रामीण सेवा, देखा है आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, ग्रामीण सेवा देखा है, एक्चुअली में वो तीन लोगों का सीट है लेकिन चार लोग उसमें एडजस्ट करते हैं इसको कहते हैं श्रिंक टू फिट। एक होता है जब आप थ्री व्हीलर हायर करते हो तो उसमें चार बोलोगे भी तो नहीं बिठाता है, वो बोलता है चलान हो जाएगा, और जाएगा भी तो एक्स्ट्रा पैसा लेगा तो चार बिठाएगा, तो वो हो गया ये वाला। समझ में आया? देखो इसमें क्या होता है कि जब श्रिंक टू फिट करते हैं काफी साइज छोटी छोटी हो जाती है, मतलब मोटा आदमी चार आदमी बैठ जाए या तीन आदमी बैठो लेकिन वो बैठाएगा चार ही, ग्रामीण सेवा ये कहता है। पर्सनल लेके जा रहे हो तो अकेले बैठ के जाओ, कौन मना करता है। तो देखो अगर आपको लगता है कि फोन की साइज को, फॉन्ट की साइज को अगर आपको चेंज नहीं करना है तब आप श्रिंक टू फिट का यूज करेंगे, फॉन्ट साइज चेंज करना है तो आप श्रिंक टू फिट यूज कर सकते हो, नहीं तो ये अपने आप में अलग अलग ऑप्शन है। ये बिल्कुल ग्रामीण सेवा और प्राइवेट ऑटो वाले का जो डिफरेंस है ये बिल्कुल इसमें सटीक बैठता है। नहीं सर, एक मेट्रो और प्राइवेट ऑटो से जाने दो। आइए और आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट एज ए पेंटर, फॉर्मेट पेंटर ये वाला बटन देखो, ये बटन कहता है कि अगर आपने रेड वाले को सेलेक्ट करके ग्रीन वाले पे डाल दिया तो इसको ग्रीन बना देगा, अगर आपने ग्रीन वाले को सेलेक्ट करके इस पे डाल दिया तो इसको ग्रीन बना देगा, तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर। ये सेम तरह का फॉर्मेट यूज करने के लिए हम लोग फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल आपको अच्छा दिखाता हूं इसका। मान लो यहां पे हमारे पास एक नाम है TABEESH, तबिश, ठीक है। एक डेटा है जिसपे एक सेल है जिसपे तबिश लिखा हुआ है, और एक डेटा है जिसपे हमने लिखा है साक्षी SAKASHI। नहीं, अब तबिश का जो डेटा था या तबिश वाला जो सेल था इसके ऊपर हमने खूब मेहनत किया, मैंने कलर भरे, इसको सेंटर अलाइनमेंट किया, इसके अंदर एक थिक बॉर्डर लगाया, इसका फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा था हमने फॉन्ट चेंज किया, इसका कलर नहीं अच्छा लग रहा था हमने कलर चेंज किया, इसकी साइज अच्छा नहीं लग रहा था हमने साइज चेंज किया, इतना सारा काम किए हम किसके लिए, तबिश के लिए। अब साक्षी पे अगर हमें यही चीज करना होगा तो इतना काम हमें नहीं करना पड़ेगा, जस्ट इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर लेके इस पे डाल देंगे, होगा। तो इतना सारा जो टाइम आपको लगा इस टाइम को आप फॉर्मेट पेंटर के वजह से बचा सकते हो। क्या क्लिक करना, ये सेलेक्ट किया मतलब ऐसा चाहिए, ये रंग दे बसंती टाइप का है, जैसा मैं हूँ वैसा आपको भी बना दूंगा। नहीं, ये रंग दे बसंती है, देखो इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर लिया और इस पे चला दिया, रंग दे बसंती हो गया, जैसा मैं हूँ रंग दे वैसा वाला हो गया ना, जैसा ये वैसा ये भी हो गया। मेरे एग्जांपल बहुत सटीक होता है, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। सर ये एक सेल के लिए काम करेगा या पूरी रेंज सेलेक्ट करके भी कर सकते हो? जहां जहां पे आप लगा दोगे वहां वहां काम करेगा। मैंने साक्षी का ये फॉर्मेट लिया
और हम अपने मेन डेटा में गए और यहाँ रंग दे बसंती यहाँ तक कर दिया तो सारे रंग दे बसंती हो गया, देख रहे हो। तो कहीं पे भी अप्लाई हो जाता है। मेरा कुछ स्टूडेंट तो है कि फॉर्मेट पेंटर भूल जाता है लेकिन उसको रंग दे बसंती याद रह जाता है कि सर ऐसे वाला में ऐसे ऑप्शन मिलेगा। तो आपको जैसे समझना वैसे समझो, बट फॉर्मेट पेंटर ये काम करता है। सिर्फ फॉर्मेट पेंटर यही काम नहीं करता है, और भी काम करता है। देखो क्या करता है, हमने कुछ नंबर यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे हमने कुछ नंबर लिखे हैं, यहाँ पे कुछ हमने नंबर लिखे हैं, और यहाँ पे कुछ हमने डेट लिखे हैं। एक डेट लिखा 1 जनवरी 2015, एक जगह लिखा 1 जनवरी 2015, ठीक है। और एक जगह और इसको कॉपी कर लेते हैं। देखो तीन जगह पे सेम ही चीज़ लिखा हुआ है, बट जब मैं पहला वाला तो ऐसा है, दूसरे वाले में जाता हूँ, देखो यहाँ पे कस्टम नज़र आ रहा है। कस्टम में जाके देखो एक लॉन्ग डेट फॉर्मेट होता है, उसमें क्या होता है कि आपको लॉन्ग डेट फॉर्मेट में दिखता है। देखो इस फॉर्मेट और इस फॉर्मेट में फ़र्क पता चल रहा है, दोनों में अंतर पता चल रहा है। और एक होता है और जिसमें ये नंबर में कन्वर्ट होता है, देखो ये नंबर में शॉर्ट डेट फॉर्मेट कहते हैं। एक फॉर्मेट ये होता है, एक फॉर्मेट ये होता है, एक फॉर्मेट ये होता है। मैं अपने एंड पे समझता हूँ सबसे बढ़िया फॉर्मेट ये, आपको जो अच्छा लगता है वो करो, बट मैं इसको अच्छा मानता हूँ। देखो इसमें अभी जनवरी था तो दिक्कत नहीं आया, यहाँ पे आके दिक्कत हो सकता है। 1 अप्रैल की बात कर रहे हो या 4 जनवरी की बात कर रहे हो, ये DDMMYY है या MMDDYY, इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इन दोनों में से कोई भी आप अच्छा बोल सकते हो। हमने इसको क्यों अच्छा बोला, क्योंकि देखो जनवरी में JANURY इतना लंबा लिखना पड़ता है, अब अगर हमें फरवरी लिखना है तो कितना लंबा लिखना पड़ेगा, और ये वाला फॉर्मेट को हम सबसे अच्छा मानते हैं। और इसमें सेम साइज में डेट लिखेगा, इसमें कभी ज़्यादा हो जाएगा, अब मे लिखना है तो फुल फॉर्म में मे बहुत छोटा होता है, नहीं तो इस फॉर्मेट को हम सबसे अच्छा मानते हैं। मेरे मानने से मत जाओ, आप अपना देखो, आपको जो इसमें से चारों में से जो अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते। सवाल ये उठता है कि आपको ये अच्छा लगता है और आपके बॉस को ये अच्छा लगता है तो ये वाला सेलेक्ट करो और फॉर्मेट पेंटर पे चला दो जहाँ जहाँ डेट है। अगर मेरे को ये अच्छा लगता है तो मैं इसको सेलेक्ट करके ये वाला, सब तो डेट ही तो है तो दोनों में फ़र्क आपको नज़र नहीं रहा। ये देखो कोई बड़ा कोई छोटा लगता है, डेटा प्रेजेंटेबल नहीं लग रहा है, लेकिन ये वाला प्रेजेंटेबल लग रहा है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि ये अच्छा लगता है, ये फॉर्मेट सबसे अच्छा है। पहले तो डेट के 4 फॉर्मेट हैं, उस फॉर्मेट को किसी एक फॉर्मेट में ही अप्लाई करना, ऐसा नहीं कि कहीं पे ऐसा रखा है, कहीं ऐसा रखा है, कहीं ऐसा रखा है, वो तो ऐसा तो करोगे नहीं। कर भी रहे हो तो कहीं ना कहीं अगर डायरेक्टर का नज़र या आपके बॉस का नज़र पड़ेगा तो कभी ना कभी आपको सुनना पड़ेगा। तो एक तो होता है कि सिमिलर फॉर्मेट के लिए फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर गलती से किसी डेट को सेलेक्ट कर लो फॉर्मेट के अंदर और चला दो किसी नंबर पे, तो नंबर को डेट में कन्वर्ट कर देगा। और अगर गलती से किसी नंबर को सेलेक्ट कर लिया और उसको डेट पे चला दिया तो उसको नंबर में कन्वर्ट करता है। तो ये भी कभी कभी हमारे काम आने वाला है। रेंडमली कुछ भी लेगा सर, कोई भी रेंडमली कुछ नहीं लेता, जो आप लेते हो वही लेता है ना, रेंडमली नहीं लेता है। इसमें 1 का मतलब होता है, 1 = इसका मतलब होता है 1 जनवरी 1900, 2 का मतलब होता है 2 जनवरी 1900, 3 का मतलब होता है 3 जनवरी 1900। तो अगर ये बता रहा है आपको अंडर डेट, ये डेट क्या बता रहा था, 1 जनवरी 2043, तो ये पहले से शुरू करते हुए इतने दूर तक इतना 1052,000 डेज हो चुके हैं, तो ऐसे नहीं लेता है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 = होता है 1 जनवरी, ठीक है। हाँ करो ना यूज, कहाँ मैंने मना किया। करो आप यूज इसको, जहाँ मर्जी वहाँ पे आप यूज करो, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मेट प्रिंटर बहुत काम का चीज़ है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा और आगे बढ़ते, हमें नहीं लगता कि किसी को कट कॉपी पेस्ट समझाना पड़ता है, बट समझा देते हैं। कॉपी मतलब होता है कि अगर मेरे को इतना चीज़ यहाँ पे चाहिए तो इसके लिए हम कॉपी करेंगे और जहाँ चाहिए वहाँ कर्सर रख के पेस्ट कर देंगे। कॉपी पेस्ट का मतलब ये होता है
कि यहाँ भी रहेगा और जहाँ जहाँ चाहोगे वहाँ भी हो सकता है, जितनी बार पेस्ट करोगे उतना कॉपी बन जाएगा। कट का मतलब होता है कि अगर मैंने यहाँ से इतने दूर को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ कट लगाया, कंट्रोल एक्स होता है, कट लगाया और जहाँ चाहिए वहाँ जाके पेस्ट कर दिया तो यहाँ से हट जाता है तो आ जाता है। एक होता है हटने के बाद मूव होना, एक होता है उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनना। तो आपको जो और जहाँ जैसा ज़रूरत पड़ेगा उसके हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें अप्लाई करना पड़ेगा। तो कट कॉपी पेस्ट भी आपको समझ में आ गया होगा या आ जाना चाहिए। टुडे इज 28 अगस्त 2022 5 PM वीक एंड एंड वीक डे। किसी को कोई डाउट? अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट जो हमने पहला टारगेट किया था ये तो हमारा हो चुका है। अब एक बार हम लोग दोबारा से फंक्शन पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं? फंक्शंस पे आते हैं। फंक्शंस में साक्षी आपको कितना फंक्शंस पढ़ाया है हमने और आपको कितना फंक्शन याद है? फोर्टी फिफ्टी वेरी गुड। और आपको याद कितना है? क्वेश्चन नंबर टू क्यों, किस खुशी में? आधे से ज्यादा गायब करने का कोई रीजन, एक अच्छा सा रीजन बताइए। नहीं रीजन दो दिन में बैकअप पे आ जाएंगे। अच्छा, मतलब बैकअप आप ले रहे हो, वेरी गुड। रिया आपको 40 टू 50 फंक्शंस में से कितने फंक्शन याद हैं? सर आपने जितने फंक्शन कराए हैं मेरे को भी थोड़े से सारे याद हैं। क्या बात है, मतलब कर दिए मैंने सारे देखे हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा हम लोग म्यूट कर लीजिए। साक्षी म्यूट कर लो। सबसे बड़ी बात है ना, सुनती भी नहीं है। आइए, अभी हम लोग जैसे कौन बनेगा करोड़पति या किसी तरह का क्विज आप दिया होगा, आपने टेस्ट सीरीज दिया होगा, तो अभी तक फिजिकल सीरीज दिया होगा। ऑनलाइन सीरीज कैसे होते हैं, ऑनलाइन सीरीज कैसे कंट्रोल होता है, उस चीज़ को समझने के लिए कुछ फंक्शंस हम आपको सिखा रहे हैं और उसको अप्लाई भी करेंगे अभी हम। ठीक है आदित्य, आपने कितने फंक्शंस किए हैं? 30 से 31 के बीच में, नोबरी 30 40 20 जो भी किया हो, अभी सबका पोल खुलेगा। सो यहाँ पे मैं एक फंक्शन के बारे में जिक्र कर रहा हूँ, चूज और रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन से क्या होता है आदित्य? सर रैंड बिटवीन से हम जो है वो डाटा क्रिएट कर सकते हैं, रैंडम डाटा। अगर हम रैंड बिटवीन से ब्रैकेट में कोई भी नंबर डालेंगे टॉप और बॉटम, तो वो हमें जीरो से लेके वन के मतलब पहले बीच में नंबर देगा, और अगर हम टॉप वॉल्यूम वन से लेके 50,000 डालते हैं तो उसके बीच में कोई भी रैंडम डाटा हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, और अगर हम उसको मतलब सेलेक्ट करके एज ए टेबल बना लेंगे तो वो भी बन जाएगा। आज तो कमाल कर दिया आपने, वेरी गुड। लेकिन बिना बोले बिना पूछे नहीं बताना है, जब आपका नंबर बोलेंगे तब बोलिए। सर मुझे पता था आप मेरा ही नाम लोगे। नहीं नहीं, आपका नाम ठीक है, अभी नहीं लेंगे, आएगा आएगा नंबर तब देंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट है चूज। चूज तो अभी नहीं पढ़ाया है, आई होप। चूज का मतलब होता है चुनना, और चुनना किस से? देखो अब समझ में आ जाएगा चूज कैसे काम करता है। मैंने चूज लिखा, सबसे पहले मेरे को एक इंडेक्स नंबर मांगा, हमने मान लो कि इंडेक्स नंबर में 1 डाल दी, उसके बाद कॉमा डाला तो क्या मांगा सबसे पहले? वैल्यू 1। तो डबल कोटेशन के अंदर मैं एक नाम लिख रहा हूँ, ADITY आदित्य। फिर कॉमा किया तो वैल्यू 2 मांगा, हमने बोला कुणाल। फिर कॉमा करेंगे तो एक नाम और मांगा,
एस ए के ए एस एच आई साक्षी, एक और नाम मांगा रिया, एक और वैल्यू तविश, एक और वैल्यू मांगा सौरभ, और कोई बचा? अभी जो लोग हैं इतने ही है ना, कोई गायब भी है क्या? कौन गायब है? कौन? अभिषेक, एग्जैक्टली अभिषेक गायब है। चलिए कोई बात नहीं, ये देखिए कि अगर मैं इंडेक्स नंबर पे वन रखता हूं और हमने कुछ वैल्यूज स्टोर किया है चूज के अंदर, तो जैसे एंटर मारूंगा तो हमें आदित्य मिलेगा। अगर मैं इसके जगह पे वन के जगह पे थ्री बोलता हूं तो क्या मिलेगा? साक्षी मिलेगा। क्यों मिला? क्योंकि वैल्यू थ्री जो है हमारा साक्षी है। अगर मैं यहाँ पे टू करता हूं हमें क्या मिलेगा? कुणाल। वैल्यू फोर करता हूं तो क्या मिलेगा हमें? रिया। इतनी बात समझ में आई कि चूज क्या करता है? चूज कहता है कि एक डेटा आप स्टोर कर सकते हो इसमें और जरूरत के हिसाब से आप नंबर बताओ, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 2000 जितना भी, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, यहीं पे गेम है। ये जो चार है, चार मैं अपने मन से डाल रहा हूं कि अपने आप डाला जा रहा है? अगर मेरे को आदित्य से बात करना है तो हम एक डालेंगे तभी आदित्य आएगा, अगर मेरे को रिया से बात करना है तो चार डालेंगे तभी रिया आएगा। लेकिन जरा सोचो, अगर मैं इस चार के जगह पे रैन बिटवीन डाल देता हूं और हमारे पास नाम है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और मैं बोलूंगा 1 से 6, तो अब तो हमें नहीं पता है ना कि किसका नाम आएगा। थोड़ा लॉजिक समझ में आया? अब आपको नहीं पता कि किसका, वो तो जस्ट हमेशा जो आप जिसे घुमाते हो, सर्कल घुमाते हो, तो वैसा वाला सिचुएशन आ गया। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि मैंने बोला कि ये क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे और जिसका नाम सेकेंड में आएगा वो आंसर करेंगे। ना मेरे को ये पता है कि किसका क्वेश्चन होने वाला है, ना हमें ये पता है कि किसका आंसर होने वाला है। लेकिन एक बार और करेंगे कि किसी वजह से अगर ये आंसर नहीं दे पाए तो ये आंसर देंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ही का क्वेश्चन भी रहेगा और आप ही का आंसर भी रहेगा। कभी कभी ये हो सकता है कि दो जने में तीन बार में से दो नाम सेम आ जाए। लॉजिक सब समझ में आए? तो हमने फिक्स नहीं हो सकता है, नहीं करना है ना फिक्स, तब तो क्विज ही खत्म हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अगर हम रेंड बिटवीन नहीं लगाया होता तब तो ये फिक्स ही था, जान के हमने किया है ऐसा। अगर मैं बोलूंगा आज साक्षी से कि साक्षी बताओ 30 में से 20 सवाल, तो बोलेगी सर मेरे ही पीछे पड़ जाते हो आप। कुणाल को बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि मेरे ही पीछे पड़ जाते हो। आदित्य को बोला तो बोला मेरे ही पीछे पड़ जाओ। अब भाई हम मेरे आपके पीछे नहीं पड़ रहे हैं, जो पीछे पड़ेगा वो पीछे पड़ना चाहिए आपको। अब जो है वो रेंट बिटवीन किसके पीछे पड़ेगा वो समझो। यहाँ पे जिसका नाम आएगा उसको सिर्फ 5 फंक्शन का नाम बोलना है और जिसका आंसर में नाम आएगा उसको उसका आंसर देना है, और अगर वो नहीं दे पाया तो जिसका नाम तीसरे नंबर पे आएगा वो। जस्ट फॉर एग्जांपल फर्स्ट 5 मैंने लिखा, फर्स्ट 5, ठीक है। फर्स्ट 5 मतलब देखते कि किसका क्वेश्चन रहता है और किसको आंसर करना है, तब इस आप क्वेश्चन पूछोगे और कुणाल सिर्फ कुणाली आप ही आंसर करोगे, क्योंकि आंसर 1 और आंसर 2 में दोनों में आप ही का, आपके पास जवाब देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तविश आप कोई भी 5 फंक्शन का नाम पूछो और एक्सप्लेन ये करें। तविश जल्दी से 5 क्वेश्चन पूछ लो, 5 फंक्शन का नाम पूछ लो। सर हाइपरलिंक, फिलहाल मैं फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ जो 30-40 फंक्शंस पढ़ाए हैं उसका। हाइपरलिंक या फिर टेक्स्ट टू कॉलम ये सब का आज नहीं, आज हम लोग फंक्शन का टेस्ट करेंगे 15-20 मिनट। यस हाँ, कोई भी 5 जल्दी ले। सर पाई, पाई नाउ, नाउ डाटा, डाटा इफ। एक तो ये आपने फॉर्मूला का नाम रॉन्ग बोले हो, डब्ल्यू मतलब रॉन्ग, डाटा इफ कुछ नहीं होता। और बताओ, और सर
अपर लोअर ग्रुप। पांच ही पूछना था, अपर और लोअर, ठीक है प्रॉपर आप बोल दिए हो तो, लेकिन पांच से ज्यादा पे रुक जाना। तो चलो पांच पूरा हो गया। और ये डेटा इफ नहीं होता है, क्या होता है? डेटेड इफ होता है। देखो काफी कुछ ये जो हम क्विज शुरू किए हैं, इस क्विज से बहुत फायदा मिलने वाला है। अब तविश का ये क्वेश्चन था छः, और कुणाल आपका जवाब था, आप जवाब दीजिए एक एक करके बताइए इसके बारे में। सर पाई 3.14 वैल्यू दे देगा, ठीक है। और नाउ आई एम की आज की डेट और करंट टाइम बता देगा। क्या बात है, वेरी गुड। डेट इफ में सर ये स्टार्ट डेट लेगा, एंड डेट लेगा, और नाइट लेगा। क्या बात है। और ये नंबर ऑफ वर्किंग डेज कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। नंबर ऑफ वर्किंग डेज के लिए तो नहीं होता है, डेटेड इफ दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए। वर्किंग डेज के लिए तीन होता है, डेज, नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। नहीं वैसा काम नहीं है, आप फिर से बढ़िया से देखिएगा, आप कंफ्यूज हो गए नेटवर्क डेज और डेटेड इफ में। इसमें तो सिर्फ दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालते हैं, डेट में, ईयर में, मंथ में, या ईयर मंथ में, मंथ डे में। याद आया कुछ कुछ? तो थोड़े कन्फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए ये रोज चलेगा आधे घंटे, सैटरडे संडे वाले दिन आधे घंटे रोज चलेगा ये, हर सैटरडे संडे को, ताकि हम पीछे जो पड़ गए वो ऐसा नहीं कि सब भूल जाए। अच्छा चलो यहाँ तक तो थोड़े गड़बड़ हो गए। अपर लोअर प्रॉपर, अपर ठीक है। नेक्स्ट लोअर में है, वेरी गुड, ठीक है। हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर वो कैपिटल में, क्या बात है, बहुत अच्छा, एक डेटेड इफ को छोड़ के बहुत अच्छा, ठीक है। इस बार जो नाम आया, कुणाल आप क्वेश्चन करोगे और सौरभ आप जवाब दोगे। काउंट ए, काउंट ब्लैंक, नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल इंटरनेशनल, डेज काउंट निकाल सकते हो अपना बदला। तो कुणाल का क्वेश्चन था और जवाब है सौरभ, सौरभ का। यस सौरभ बताए। काउंट ए फंक्शन जो है मैं यूज करके हम जो सिलेक्टेड डेटा होता है उसमें हम लोग न्यूमेरिकल और जो टेक्स्ट होता है वो दोनों का ये उसको बता सकते हैं। एग्जैक्टली, एक्सेप्ट ब्लैंक बोलना जरूरी है, एक्सेप्ट ब्लैंक बोलना जरूरी है। देखो क्यों पूछता हूँ बार बार, आप ये अगर पूछने वाले को बोलोगे मेरा टाइम खराब हो रहा है तब तो बड़ी मुश्किल है, सीख नहीं पाएंगे जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक जो है सर वो ब्लैंक जो है उसको काउंट करके बताता है। किसको? मेरे को। सेलेक्टेड नहीं, जो सेलेक्टेड डेटा है, सेलेक्टेड डेटा में से किसको काउंट करके देता है? ब्लैंक जगह उसको, जगह जगह नहीं, सेल, सेल। क्या बोलेंगे? सेल। कि एक रेंज में से ब्लैंक सेल को काउंट करके बताता है। यस, नेटवर्क डेज इंटरनेशनल में क्या होता है? नेटवर्क डेज इंटरनेशनल में सर वो जो डेट होता है उसको बताता है, और इसमें जो वीकेंड रहता है कस्टमाइज रहता है सर। क्या बात है, ये नंबर ऑफ वर्किंग डेज निकालने के लिए होता है, जिसमें से दो डेट के बीच में से हम स्टार्ट डेट, एंड डेट, और इसमें वीकेंड चुनने का भी ऑप्शन होता है, कस्टमाइज करने का होता है। वेरी गुड। डेज डेज में हम लोग वो जो डेट होता है उसको जो जो एग्जैक्ट जो डेट दिया था सर उसमें से डेज को निकालते हैं। नहीं, डेज का हेल्प आदित्य आप बताइए कि डेज में क्या करते हैं? सर डेज में हम जो हमारे पास जो सैटरडे संडे का जो होता है वो हम इससे डेज से निकालते हैं। बिल्कुल नहीं, गलत। कुणाल डेज क्या होता है? सर कोई भी नंबर ऑफ वर्किंग डे निकालने के लिए है जिसमें कोई ऑप्शन ना। एग्जैक्टली, दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए। देखो ऐसे जो क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, इससे बहुत फायदा होगा, आपको नहीं पता चलेगा, हमें पता है, हमें पता है कि इसका क्या फायदा है, क्योंकि कुछ कॉमन फंक्शंस होते हैं जो बड़ा आसान लगता है सुनने में बट होता नहीं है। जैसे एक काउंट के बारे में बताइए। काउंट सर जो सेलेक्टेड जो डेटा है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, सिर्फ नंबर वाले सेल को ही काउंट करता है। वेरी गुड। अब 11 से लेके 15 में किसका नाम आता है देखते हैं। आदित्य क्वेश्चन करेंगे, तभी इस बार जवाब आप दोगे। आदित्य क्वेश्चन लिखवा दीजिए,
जवाब हम उनसे लेंगे। आदित्य का क्वेश्चन, तविश का जवाब, जल्दी जल्दी, और कोशिश कीजिए सीरीज में बताने का। जैसे इन्होंने अपर लोअर प्रॉपर एक साथ बताया, काउंट काउंट ए काउंट ब्लैंक ये एक साथ हुआ, वैसे सीरीज में क्या वीक नाम, वीक डेज, वीक नाम, वेरी गुड, वीक डे, वर्क डे, अच्छे जी, और वर्क डे, सॉरी वर्क डे, और सर हमारा एक वर्क डे इंटरनेशनल सर हम जो फॉर्मेटिंग करते हैं वो करते हैं, नहीं फंक्शन का नाम, सिर्फ नाम ही तो पूछना है, एक्सप्लेन थोड़ी ना करना है, तो नाम तो सही से बताइए। 30 पढ़े हो अभी तो हम 15 में ही हैं, जिसका नाम सबसे बाद में आएगा उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बट ये बात भी जरूरी नहीं है कि उसका नाम भी आए, हो सकता है नाम ही नहीं आए। मंथ एक फंक्शन था, एग्जैक्टली, और हमारा मंथ है, ईयर है, ईयर भी एक फंक्शन, बस 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 पांच ही था, लेकिन ये क्या लिखे, वर्क डेज होगा, ऐसा तो हमने पढ़ाया नहीं है फिलहाल। इसके अलावा बताइए, चार हुआ है रेलेवेंट, डेट आप बोल रहे हो, डेट, चलो पांच जो था इसका तविश आप बताएंगे जल्दी से। सर जो विघ्नम होता है सर, सर जो हमें टीवी होती है उसके सर वीक बताते हैं सर, कि कौन किस टाइम चल रहा है, मतलब कि किस डेट का पूछना है उसका वीक बताते हैं सर। सर जैसे अगस्त विघ्नम करके, हेलो, हाँ 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 सुन रहे हैं सर, अगस्त विघ्नम करके सर उसमें डेट डालेंगे सर, ठीक है, डेट डालेंगे, जो हमने डेट को अलग अलग क्या होता है सर, तो उसका जो वीक होता है सर वो वीक बता, जैसे क्या बताएगा, मान लो आज की तारीख, आज की तारीख मान लो है, तो ये क्या बताएगा इस तारीख के बारे में, क्या बताएगा सर, इस साल का जो वीक होगा वो बताएगा सर, इस साल का नहीं, इस दिन कौन सा वीक चल रहा है, वीक नंबर हमारे पास 52-53 वीक होते हैं साल में, तो वो करेंट जो भी डेट आप सेलेक्ट करोगे उस डेट का वीक नंबर बताता है आउट ऑफ 52-53। चलिए ये भी सही है, नेक्स्ट सर, वीक डे में सर हमारे जो हफ्ते में डे होते हैं सर वो संडे मंडे 1-2-3 से काउंट किए जाते हैं, कमाल, बहुत अच्छा, तो वो वीक डे बताते हैं सर, सही बात है, सही बात है, नेक्स्ट वीक डे के बाद डेट, सर जो डेट होती है सर ये हमने जो अलग अलग करी होती है उसको एक साथ कंबाइन करते हैं सर, डे मंथ और ईयर, एग्जैक्टली, डेट से हम डेट क्रिएट कर सकते हैं, डेट क्रिएट कर सकते हैं, मंथ में क्या होता है सर, मंथ में सर हम डेट में से सर मंथ अलग कर सकते हैं सर, क्या बात है, ईयर में से सर ईयर, डेट में से सर ईयर अलग करेंगे, क्या बात है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब देखिए 16-20 में किसका नाम आता है, रिया का क्वेश्चन होगा और रिया का ही जवाब होगा, रिया देखो आप पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान है ये फॉर्मूला, ठीक है सर, आप अपने मन के हिसाब से आसान आसान कर लो पांच, यही फायदा है, सम प्रोडक्ट एवरेज, प्रोडक्ट एवरेज, रो कॉलम, रो और कॉलम, क्या बात है, बताइए आप ही को बताना है सर, हमारे पास अगर कोई भी डाटा है उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यूज का अगर सम चाहिए हो तो सम फंक्शन का यूज करते हैं, और प्रोडक्ट में हमारे पास जितना भी डाटा है उसमें से अगर जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है अगर हमें प्रोडक्ट चाहिए तो प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करते हैं, और अगर हमें एवरेज चाहिए हो तो हम एवरेज फंक्शन का यूज करते हैं, एंड जो कॉलम में है कि हमारे पास अगर सॉरी जो करंट करंट सेल होता है अगर हमें उसका रो जानना हो तो हम रो फंक्शन का यूज करते हैं, जो करंट सेल का कॉलम कॉलम करना हो हमें तो हम कॉलम फंक्शन का यूज करते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा ताली, तब इसके लिए भी ताली क्योंकि इन्होंने भी कोई गलती नहीं करी। ओके सो नाउ देखते हैं साक्षी पे कब मेहरबान होता है। 2:25 अभी भी रिया क्वेश्चन आपका है, कुणाल आंसर करेंगे। ईओ मंथ ई डेट
टुडे टुडे टेक्स्ट और कौन सा हार आर चलो कुणाल आपको ये पांच आंसर देने हैं। ऐसे तो साक्षी का नाम आता है, जब पूछते हैं तो नहीं आता है, बड़ा तेज है साक्षी पे आज मेहरबान है ये फॉर्मूला कि बोला दो पूरा प्रैक्टिस कर लेगी तभी लाएगी। इयो मंथ पहले इयो मंथ से शुरू कीजिए। इयो मंथ सर क्या होता है कि अगर किसी हमें डेट में मंथ ऐड करने हो तो ये क्या करता है कि जैसे हमने कोई डेट सेलेक्ट करी मंथ ऐड किया तो सर जो रिजल्टेंट जो मंथ आएगा उसकी एंड ऑफ डेट बता देगा। क्या बात है, वेरी गुड। ई डेट टेक्स्ट बहुत अच्छा फंक्शन है। इसमें एक वैल्यू लेगा और एक फॉर्मेट लेगा। एग्जैक्टली डेट एंड टाइम के अंदर टेक्स्ट एक बेहतरीन फंक्शन है। वैल्यू कॉमा फॉर्मेट, इसमें फॉर्मेट क्या क्या होता है यही बता दीजिए आप। फॉर्मेट सर इसमें होता है ट्रिपल डी, फोर डी, फिर एमएम, ट्रिपल एम, फोर एम, फिर वाई वाई। ठीक है, डन, इसको भी मान लेते हैं। आवर आवर सर जो टाइम है उसमें से आर वाला जो निकाल के हमें दे देता है, दैट्स इट। देखो 25 फंक्शन हमने रिवाइज कर लिए, ये मत सोचना 26 ये मत सोचना कि ऐसे ही टाइम बर्बाद हो गया, क्योंकि कुछ प्लानिंग कर रखा है आपको कि कैसे आपको सब कुछ याद रहेगा। अब देखिए 26 टू 30 के बीच में चल रहे हैं, देखते हैं इस बार किसका नाम आता है। कुणाल का क्वेश्चन है, सौरभ आप जवाब देंगे। साक्षी तो एकदम खुशी मना रहे होगी, जन्माष्टमी मना रहे होगी, है ना? यस, डे हो गया और इसमें अगर कोई डुप्लीकेट बोलोगे ना तो पकड़ में आ जाएगा, ऐसा मैं सिस्टम लगा देता हूँ। अब अगर आप डुप्लीकेट हुआ जो बोल दिए है उसमें से बोलोगे तो आप अपने आप हाईलाइट हो जाएगा। बोलो सेकेंड, अच्छा सेकेंड है, ओके ग्रेट। मिनट बिल्कुल, रोज रोज एक और ऑरेंज, वेरी गुड। बताइए जल्दी से कुणाल, वो सौरभ डेट को हाँ डे को निकालता है या बताता है। चलो ठीक है, और वो कोई जो डेट सेलेक्टेड डेट है उसमें जो सेकंड को बताएगा। डेट में से सेकंड कभी नहीं होता है, वो टाइम है सर, टाइम में से सेकंड। हाँ टाइम और वो जो सेलेक्टेड टाइम उसमें से वो मिनट फंक्शन जो मिनट को बताएगा। ठीक है, रोज जो सर है वो टोटल कितने रोज है उसको बताता है सेल में। सेल में नहीं, डेटा में, रेंज में से। सेल में रोज कहाँ से, सेल तो सेल ही होता है। और फिर वो सेलेक्टेड जो रेंज है उसमें कितने कॉलम होंगे वो कॉलम्स बताएगा। कमाल, बहुत अच्छा। 31 to 35 एंटर, आखिरकार आया सौरभ, कर लो आप अपनी मुरादें पूरी, साक्षी से वो सारे सवाल कर लो जो आपको करना है। एक मिनट होल्ड कर लीजिएगा, कंटिन्यू। नेटवर्क डेज, बहुत आसान आसान, अभी और भी कुछ बचा है देखिए, क्योंकि अभी तो 30 पे पहुंचे हैं और 40 पर है तो अभी 10 बाकी है। नहीं डेट सर, डेट हो चुका है। देखो डेट लिखेंगे तो ये बोलेगा हो चुका, देखा कहाँ पे रैंड। हाँ वेरी गुड, रैंड सर ये सिर्फ फंक्शन बताना है। हाँ सिर्फ फंक्शन बताना। देखो इस एक्सरसाइज से दो फायदा होगा आपको, सिर्फ आंसर ही नहीं आपको कौन सा क्वेश्चन भी याद रखना है, अगर क्वेश्चन और आंसर दोनों याद है तो ज़्यादा बेस्ट। अब इस एक्सरसाइज से, इस तरह के एक्सरसाइज से आपको डबल फायदा होगा। हाँ रेंट के बाद बताओ, खत्म हो गया सर? हाँ एग्जैक्ट, ई एक्स ए सी टी, एग्जैक्ट इज एरर, और इज ऑड, इज ऑड, वेरी गुड। सो
साक्षी बहुत आसान ही सवाल आपसे पूछा गया है, बताइए जल्दी से। बड़ा जल्दी खत्म करते हैं, नेटवर्क डेज में क्या होगा सर? नेटवर्क डेज में ये होगा, इसमें हमें पूछा गया कि कितने वर्किंग डेज है, ये एक मंथ में हमारे कितने वर्किंग डेज आ रहे हैं, तो वो हमें बता देगा। और लेकिन लेकिन लेकिन, लेकिन कंडीशन क्या है नेटवर्क डेज का सर? नहीं नहीं, सैटरडे और संडे दोनों हटा के दो डेट के बीच में से डिफरेंस बताता है, सैटरडे संडे को हटा के, ये बोलना जरूरी है। चलिए रेंट बोलिए। रेंट से रेंट मतलब डाटा मिल जाता है, जैसे हमें कुछ भी चाहिए तो हम रेंट पे, तो हमारे पास डाटा आ गया टेक्स्ट में भी और कॉल। हमें आप सीखो तो टेक्स्ट में कैसे आ जाता है रेंट से जबरदस्ती? रेंट से टेक्स्ट कब से? हमने वहां पे सीखा था उसमें, जब पावर एमएस कर रहे थे तब, और इसमें तो लाइन से करेंगे तो हमें डाटा आ जाएगा। तो कैसा डाटा आएगा रेंट से? सर रेंट से इंटर का डाटा आएगा, वो डेसिमल्स में भी आ सकता है, नंबर्स में भी आ सकता है। हां, जबरदस्ती का नंबर्स में आ सकता है, सिर्फ डेसिमल्स में आता है, 0 से 1 के बीच में, और टेक्स्ट तो आता ही नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं अच्छे से, इसलिए बोलता हूं। रैंड में सिर्फ रैंडमली डेटा आता है, वो भी 0 से 1 के बीच में। आपने लाइन में सिखाया था एमएस पॉइंट में कि रैंड में किया था, तो हमारे पास टेक्स्ट में बहुत सारा डाटा आ गया था, मैं वो बता रही हूं। अब जबरदस्ती आपने मेरा ही चीज को ही बोल रहे कि आपने बताया था, हम बताया ही कुछ नहीं है, जो बताया रिकॉर्डिंग मोड में है, ऐसा कुछ बताया ही नहीं है जो आप बोल रहे हो। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, आगे बताओ, एग्जैक्ट बताओ, आपसे पंगा लेना खतरे से खाली नहीं है। आप बोलोगे सर यही तो बताया था पता चला खुद नहीं पढ़ी है, बोले यही तो बताया था कि 2+2=5 होता है, आप 4 बोल रहे हो आज। नहीं एग्जैक्ट बताओ, हाँ एग्जैक्ट में क्या होता है एग्जैक्टली? तो पढ़ाई स्टार्ट करो और एग्जैक्ट के बारे में आदित्य आप बताइए क्या होता है। नहीं हुआ है, इज एरर हुआ है और इज ऑड हुआ है? नहीं हुआ, वेरी गुड, तीन नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। तो तविश आप बता दीजिए इन तीनों के बारे में। सर एग्जैक्ट मुझे याद आ गया, बोल दो बोल दो सर एग्जैक्ट में, मैं श्योर बोल दूंगी। तो एग्जैक्ट में ये होता है कि हमारे पास मतलब दो नंबर है, अगर वो नंबर सही होंगे तो मतलब सेम सही, तो मैं कंफ्यूज हो गई। एग्जैक्ट में हमारे वो ट्रू फॉल्स हो जाता है, अगर दो नंबर वो सही है तो वो ट्रू हो जाएगा, गलत सही नहीं, सेम सही गलत क्या होता है? हमने ये लिख दिया ये भी सही है, मैंने ये लिख दिया सही है, ये लिख दिया सब सही है, सही नहीं बोलेंगे ऐसा प्रतीत होता है कि आप पढ़ रहे हो आप। वेरी गुड, कीप इट अप, थोड़ा और मेहनत करो। ठीक है, अब देखिए ये तीन फंक्शंस के बारे में मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। एक फंक्शन है जिसका नाम है एग्जैक्ट, अगर मेरे पास दो वैल्यू है, ध्यान देंगे यहाँ पे दो वैल्यू है, एक वो नंबर भी हो सकता है और टेक्स्ट भी हो सकता है, अगर ये दो वैल्यू सेम है तो एग्जैक्ट एक ऐसा फंक्शन है। एग्जैक्ट क्या करता है? टू कंपेयर टू वैल्यूज वेदर दे आर सेम और नॉट, इफ बोथ आर सेम तो क्लोज, ये करके म्यूट तो करो, ये भगवान इतनी डिस्टर्बिंग एलिमेंट है ये लड़की चलिए मतलब वो एक बार अगर अनम्यूट कर ले तो म्यूट नहीं करेगी चाहे जो हो जाए, और पता नहीं कहाँ कहाँ से आवाज आता, कभी चूहे का, कभी बिल्ली का, कभी बच्चों का, कौन से कोने से ये ले रही है क्लास, हमें नहीं भगवान जाने, इतना डिस्टर्ब होता है। आप वीडियो देखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा मैंने क्यों ये कमेंट किया। सो टू कंपेयर टू वैल्यूज वेदर दे आर सेम और नॉट, तो दो वैल्यू मतलब वैल्यू नाम भी हो सकता है, जैसे मैंने लिखा राम और यहाँ पे भी लिखा राम,
तो राम राम दोनों सेम हो गया, तो दिस इज ट्रू। उसी तरह से अगर आपके पास दो सिंबल्स पड़े हुए हैं, अगर दो सिंबल सेम हैं तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। सेम कर देते हैं इसको, देखिए तो ये ट्रू आ गया, देखा ट्रू आ गया। तो टू कंपेयर टू वैल्यूज वेदर दे आर सेम और नॉट। फिर ये देखो इज वाले फंक्शन में हमारे पास छह इज के फंक्शन हैं। देखिए छह इज के जो फंक्शन हैं वो है इज नंबर, इज टैक्स, इज ऑड, इज इवन, इज एरर और इज ब्लैंक। ये छह फंक्शन है जो इज से शुरू होता है और इसका भी आंसर ट्रू या फॉल्स में होता है। अभी तक जितने भी फंक्शन आपने आदित्य पढ़ाए उन सबसे आसान है, क्योंकि इसका आंसर या तो ट्रू में आएगा या तो फॉल्स में आएगा। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें कोई डेटा है जिसमें कुछ डेटा में लिखा हुआ है, मैं पूछ रहा हूँ इज नंबर, क्या ये नंबर है? अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। तो क्या आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स? ट्रू, बिल्कुल सही बात। इज टैक्स अगर मैं करता हूँ और मैं पूछ रहा हूँ इसके बारे में, तो ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। इज ऑड पूछ रहा हूँ कि क्या ये ऑड है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? ट्रू होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। इज इवन, तो दिस इज इवन और ऑड, तो फॉल्स। इज एरर, क्या इस सेल के अंदर कोई एरर है, फॉल्स या ट्रू? फॉल्स, क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं है। अब सवाल उठता है एरर कब आता, जब हम फंक्शन गलत लगाते हैं। जैसे आपने बोला इज ऑड, अब इज ऑड को नंबर चाहिए और आप दे रहे हो टेक्स, तो वो कंफ्यूज होके एरर दे दिया, वो कंफ्यूज होके एरर दे दिया। ठीक है, देखो होता क्या है ना कि हमें जब इज ऑड फंक्शन लगाया तो ये हमसे पूछा नंबर और मैंने दे दिया टेक्स, तो ये कंफ्यूज होके एरर दे दिया। या अगर आप सिंपली भी 5 × 4 लिखते हो तो ये भी एरर मिल जाएगा। या फिर अगर आप बोल रहे हो कि रिया माइनस साक्षी प्लस मोहित डिवाइडेड बाय मोदी जी माइनस अरविंद केजरीवाल, तो इसका भी आंसर एरर ही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये सब जो होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू पे होता है। ये मैंने 3-4 एग्जांपल दिए, तो जब हम उसको प्रॉपर सिंटैक्स नहीं देते हैं तब वो एरर देता है। ऐसे केस के लिए होता है इज एरर। पहले आपने पूछा था इज एरर उस सेल के बारे में, तो बोला था कि एरर नहीं है, लेकिन इस सेल के बारे में पूछोगे तो बोलेगा हाँ एरर है ये। उसी तरीके से होता है इज ब्लैंक, अगर ये ब्लैंक है तो ठीक है, अगर ब्लैंक नहीं है तो बोलेगा कि फॉल्स है, ये ब्लैंक नहीं है, ये ब्लैंक नहीं है, ये ब्लैंक नहीं है, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, और जो सेलेक्ट किया था हमने ये ब्लैंक था तो ये ब्लैंक आ गया। समझ में आया, सबको समझ में आया? छह फंक्शंस पहले से करा हुआ है, थोड़े अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। तो देखो यही था 35 और 6 31, 41 तो यही हो गया, 41 का तो अभी आपकी एक तरह से प्रॉपर समझ लो रिविजन हो गया। अब एक जोड़ दो उसमें चूज, 42 हो गया, एक जोड़ दो आप रेंड बिटवीन, कितना हो गया 43, 43 आज का टारगेट होगा हमारा 50, क्या होगा 50। बट पहले ये तो देख लें कि कुछ और आपने छोड़ तो नहीं रखा है, एक फंक्शन यस, एक फंक्शन है जो मैंने लेन छोड़ रखा है। लेन का मतलब क्या होता है सर? लाइन होते जैसे आपने वर्ड नाम लिखा अमित भारद्वाज, अमित भारद्वाज कितने कैपिटल वर्ड्स हैं वो हमें बताने को, जैसे 6 7 8। कैपिटल वर्ड क्यों जोड़ रहे हो, जितने कैरेक्टर है, कैपिटल स्मॉल से बात नहीं होता है उसमें, तो जस्ट काउंट कर लेता है कि कितने कैरेक्टर है।
लेन मतलब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ सेल। अब देखो इसमें 11 कैरेक्टर हैं, इसमें 4 कैरेक्टर, इसमें 5 है, इसमें कैपिटल और स्मॉल का क्या लेना देना है ना। तो ये वर्ड बोल के आप कंफ्यूज हो जाओगे खुद भी और अगले वाले को भी कंफ्यूज कर दोगे। तो ये लेन एक छुटा था, तो लेन जोड़ने के साथ ही अब कितना हो गया, अब कितना हो गया 44। 6 फंक्शन और देखते हैं, लेकिन नहीं जो पढ़ाया है उस पे जाते हैं पहले। हम पहले वो शीट निकालते हैं, हमारा ये 5 बजे वाला था ना। देखो ये पहला नंबर में तो पूरा आपने अभी बता दिया, टुडे नाउ पाए रो कॉलम रेंज बिटवीन सम मैक्स मीन एवरेज प्रोडक्ट काउंट काउंट ए काउंट ब्लैंक अपर लोअर प्रॉपर तक, पहला कॉलम बिल्कुल फुल। सेकेंड में आते हैं डे मंथ ईयर आर मिनट सेकेंड वीक डे वीक नम डेट टाइम, टाइम नहीं बताया, देखा कि किसी ने टाइम नहीं बताया। अब इस तरह से आपको ओपन माइंड से सीखना पड़ेगा कि टाइम हमने कर लिया है। उसके बाद नेटवर्क डेज, नेटवर्क डेज इंटरनेशनल हो गया, डेज हो गया, ई डेट यो मंथ हो गया। अब देखो डेटेड इफ, स्पेल गलत कर रहे थे, वो डेट इफ नहीं होता है, डेटेड इफ होता है, हालांकि वो हमने ऐड कर रखा है तो चलो उसको रखते हैं कि डेट इफ नहीं होता है, डेटेड इफ होता है। इसके अलावा टैक्स होता है, तो टैक्स तो हो ही गया। और ये देखो डेट प्लस नंबर ऑफ डेज, डेज माइनस नंबर ऑफ डेज, फर्स्ट डेट से सेकेंड डेट को घटाना, 3 और जोड़ दो आप इसमें, आप अपने इसमें 3 और जोड़ दो तो 44 प्लस 3 कितने हो गए 47। तो बिना पढ़ाए 47 पहुंच गया, मैंने तो सोचा 50 पढ़ा देंगे, तो बिना पढ़ाए 47 थोड़ी ना हुआ है, पढ़ाया हुआ है। मैक्स मीन अभी नहीं लिया है, वेरी गुड। देखो मैक्स भी नहीं लिया और मीन भी नहीं लिया, ये देखिए। तो ये 2 होने के बाद 49 तो ऐसे ही हो गया। एक और नाम बताइए जो इजीली, फैक्ट, FACT, फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल निकालना, पढ़ा है आपने आदित्य, ये सब तो पढ़ा है ना, ठीक है। तो देखो एक फंक्शन है फैक्ट, फैक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल निकालना। देखिए एक फंक्शन है, बिल्कुल फ्रेश पढ़ा रहा हूँ, FACT, फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल निकालना। साक्षी एक्सप्लेन कीजिए तो फैक्ट क्या होता है। सर फैक्टोरियल में क्या होता है, अगर हम फैक्ट ऑफ 5 करेंगे तो क्या आता है, फैक्ट में वो आप पूरा खिचड़ी पका देते हो, फैक्ट में फैक्टोरियल निकालते हैं। फैक्टोरियल का मतलब होता है फैक्ट ऑफ 5, मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1, उसका आंसर 120 आता है। फैक्टोरियल में पावर कहाँ से जोड़ दिया आपने, है ना, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये होता है फैक्टोरियल। 10 × 9 × 8 × 7 up to 1। फैक्टोरियल के बाद एक फंक्शन होता है जिसका नाम है पावर, पढ़ा हुआ है। पावर क्या होता है, a to the power b, जैसे पावर लिखेंगे आप, पावर जब लिखते हैं तो देखिए नंबर का पावर है, कि मान लो 2 का पावर आपने दे दिया 5, तो 2 का पावर 5 का मतलब क्या हुआ 32, मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड पावर। एक होता है मोड, मोड पढ़ा है आप लोगों ने, मोड का मतलब रिमाइंडर होता है, MOD, मोड, मोड मतलब रिमाइंडर। अगर 15 को 15 से डिवाइड कर दिया जाए तो कितना शेष बचेगा, 0, सो दैट इज कॉल्ड मोड। 15 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 5, सो दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर, वो मोड। 12 से करेंगे तो कितना, 3, और 4 से करेंगे तो तब भी पर 3 ही आएगा, माइनस नहीं कर रहा है, अरे डिवाइड बोल तो रहा, 15 को 4 से भाग दोगे तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर जो बचता है, शेष हिंदी में, सो ये होता है मोड। मोड के अलावा और क्या पढ़ाता हमने, SQRT, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है रूट अंडर। अगर SQRT 16 करोगे तो सबको पता है कि 16 का रूट अंडर क्या होता है, 4, 9 का कितना होता है 3,
लेकिन इसका कितना होता है, इसी के लिए ये फंक्शन बना है कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो विद इन सेकेंड, मतलब कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मोड निकाल सकते हो, पावर निकाल सकते हो, फैक्टोरियल निकाल सकते हो। तो छोटा वाला तो समझने के लिए होता है, बट यूज जो इम्प्लीमेंटेशन वो बड़े बड़े नंबर्स के लिए होता है। उसके बाद बताइए कि और हमने क्या करा, एब्सोल्यूट, एबीएस, एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट, एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट। अगर आपके पास कोई माइनस में वैल्यू है तो उस वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम एबीएस का यूज करते हैं। तो कितना हो गया, 50 के बाद ये हुआ है, कितने पे चले गए, 55, 55 में कुछ मिसिंग तो नहीं हुआ है अभी तक में, 55 तो क्लियर है, अभी और चलेगा। और बताइए क्या हुआ सर, राउंड एग्जैक्टली, इस पे 10 अभी और पढ़ा चुके हैं, पांच बजे वाले बैच को। अब पांच वाले बैच को मैं ये बोलूंगा कि अगर आप चाहो तो क्विट कर सकते हो, अगर रिवीजन के लिए बैठना है तो 10 मिनट और बैठ सकते हो, वैसे भी हम आधे घंटे एक्स्ट्रा ही लगाया है, इसीलिए कि आप ये मत बोल देना कि सर रिवाइज करने में मेरा टाइम निकाल दिया जा रहा, ठीक है। तो रिवीजन क्यों जरूरी है ये भी समझ में आ गया होगा। तो आज हम 60+ पे जाने वाले हैं, और आदित्य आप 30 से 60 पे जाने वाले हैं। अब आता है बारी, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वैसे आपको मैं रेगुलर वाले भी वीडियो भेजता हूँ जो इन लोगों को वो सर आपने उससे रिमूव कर दिया, हाँ इसीलिए कर दिया कि फिर कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, इसीलिए हाँ अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल अच्छा है, राउंड राउंड आप राउंड राउंड डैश टू बिन बिन टू डैश ये सब कर चुके हो तो जा सकते हो, ऑलरेडी हम लोग 1.5 घंटे ले चुके हैं, तो आप चाहो तो दास सकते हो, वैसे 10 मिनट वेट करोगे तो अच्छा है, रिवीजन ही हो जाएगा, 10 मिनट में छोड़ दें। कभी जब आपको ये लगने लगे ना कि सर बहुत पढ़ा दिया आज, तब समझना कि अच्छा चल रहा है सब कुछ। देखो यहाँ से लेके फैक्ट से लेके मोड तक तो हम पहुँच ही चुके हैं, अब यहाँ से लेके यहाँ तक करवा देंगे बात खत्म, बराबर पे आ जाएंगे। हाँ कोई बात नहीं, एक आध तो कभी भी ग्रीन कर देंगे, 2-4-10 का तो हम कुछ मतलब वैल्यू ही नहीं समझते, कभी भी उसको करवा देंगे। अब देखिए ये चार फंक्शन एक कैटेगरी का है आदित्य, चार फंक्शन आपका एक कैटेगरी का है कि कभी आपको कुछ डेसिमल वाली वैल्यू मिल जाए, और डेसिमल वाली वैल्यू बनाने के लिए एक फार्मूला यूज कर सकते हो, रैंड प्लस रैंड बिटवीन, तभी आप डेसिमल वाली वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे। देखो ये कुछ डेसिमल में हमारे पास वैल्यूज आ गई, अब डेसिमल वाली वैल्यू को राउंड फिगर में करने के लिए यानी दशमलव वाले पॉइंट को हटाने के लिए हमारे पास एक नहीं चार चार फंक्शन है, और वो चारों फंक्शंस क्या हैं, एक इंटीजर है, एक राउंड है, दूसरा राउंड है, तीसरा राउंड डाउन है, एक राउंड अप है, ठीक है। इंटीजर का मतलब होता है इक्वल्स टू INT, INT मतलब होता है इंटीजर, INT ऑफ दिस करोगे तो देखो ऑटोमेटिकली दशमलव से पहले वाले पार्ट को ये उठा लेता है, और जो काम इंटीजर करता है सेम वही काम राउंड डाउन करता है, डाउन मतलब भी छोड़ना होता है, ये क्या करता है इसको सेलेक्ट करने के बाद comma 0 लगाना है, इससे क्या होता है कि जितने भी पॉइंट्स की वैल्यू है इसको छोड़ देता है, तो राउंड डाउन का आंसर इंटीजर के बराबर आएगा, लेकिन अप मतलब बढ़ाना, देखो ये बढ़ा देता है, कैसे जब आप राउंड अप करोगे तो 95-96 बन जाएगा और 96-97 बन जाएगा, ये देखो 224-44 245 बन जाएगा, 268-200, ये अप मतलब बढ़ाना, ये पैसे को रुपए में कन्वर्ट करके लेता है, ये पैसे को छोड़ देता है, और ये भी छोड़ देता है, बट ईमानदारी का जो चलता है जो इंडस्ट्री में चलता है वो हमारा है राउंड फंक्शन। राउंड सबसे ज़्यादा समझना ज़रूरी है, राउंड कहता है कि अगर आपकी पॉइंट की वैल्यू 0.5 या इससे ज़्यादा है तो ले लेगा, नहीं तो उसको नीचे की तरफ ले जाएगा, देखो ज़्यादा था तो 95 को 96 कर दिया, लेकिन 244 के बाद 20 ही था तो उसको वही रखा, ये 0-2 पैसे ही था तो वही रखा, लेकिन 67 पैसे पे बढ़ा दिया, 10 पैसे पे देखो वही रखा। तो ये चार फंक्शन होते हैं जो राउंड राउंड अप राउंड डाउन
और इंटीजर के साथ आप जोड़ सकते हैं। नाउ कम टू मोर फोर फंक्शंस विच इज कॉल्ड कैरेक्टर कोड डेस्ट टू बिन। होता क्या है कि जब आप किसी कैरेक्टर को डालते हो कंप्यूटर के कीबोर्ड से तो आपका सीपीयू नहीं समझता इस चीज को, इसलिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है कोड, जिसको हम अपने समझ के लिए ASCII ASCII कोड के नाम से जानते हैं, लेकिन फंक्शन का नाम क्या है? कोड। तो कोड क्या करता है, इसकी कुछ कोडिंग करती है और इसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करता है, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? ASCII कोड बोलते हैं। ASCII कोड कितना होता है? टोटल 255 कोड होते हैं, यानी ए दबाने से 65 आ जाएगा, एट द रेट दबाओगे तो 64 आ जाएगा, स्मॉल ए दबाओगे तो 97 आ जाएगा। मतलब ये 255 कोड होते हैं जिसको ASCII कोड बोलते हैं। तो किसी कैरेक्टर को चेंज करने के लिए कोड एक फंक्शन है, और कोड से भी आपका कंप्यूटर नहीं समझता क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी समझता है। एक फंक्शन होता है डेस टू बिन जो हमारी इस कोड को बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। तो डेस टू बिन इस वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। अब आपने ए दबाया ये चीज को तो कंप्यूटर हमारा समझ गया, बट आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए एक फंक्शन और होता है जिसका नाम है बिन टू डेस। इसका काम रहेगा इसको वापस से कोड में कन्वर्ट करना। तो बिन टू डेस क्या करेगा, वापस इसको 97 कर देगा। बट अभी तक आप नहीं समझोगे कि ए दबाने से 97 लिखेगा तो आपको थोड़ी ना समझ में आएगा, इसीलिए एक आखिरी फंक्शन होता है कैरेक्टर, कैरेक्टर जो किसी कोड को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये चार स्टेप में आपका पूरा काम होता है, कीबोर्ड से दबाने से लेके मॉनिटर तक देखने के बीच में ये तीन काम और भी होता है जो आपको यहाँ पे डालना होगा। क्लियर हो गया हमारा? तो ये था आज की कहानी, और वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, 1.5 घंटे की सॉलिड वीडियो बनी है, और इसमें 60 से 70 फंक्शन हमने जिक्र किए हैं।